Hello, 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 hello. आ जाओ भाई सारे लोग, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट्स, है ना? वो चीज स्टार्ट करेंगे आज अपन. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार एंड बहुत ज्यादा यूजफुल. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ठीक है भाई, तो आज का अपना टॉपिक देखो, 11th क्लास की मैथमेटिक्स का हमने कोर्स स्टार्ट किया है. आप सब लोग जान, इसको यहां तक कर दीजिएगा. आप सब लोग जानते हो भाई, हम लोग 11th मैथ्स को लेकर के चले हैं. सुबह के टाइम में मैं आपको 12 से 1 11th मैथ्स पढ़ाता हूं, और शाम को 3 से 4 मैं आपको 12th मैथ्स पढ़ाता हूं. ओके, ये मेरी क्लासेज का शेड्यूल है, आप सारे लोग जानते हो. और 11th मैथ्स में हम लोगों ने जो पहला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, और वो क्या है, वो है अपना देखो बेसिक मैथमेटिक्स. बेसिक मैथ्स में हमने क्या क्या कर लिया भाई, नंबर सिस्टम्स हमने किया था, ओके, और इनइक्वालिटीज हमने किया था. ये दो चीज हमने कर ली थी भाई. ये अपना टॉपिक खत्म हो चुका है. अगला जो अपना टॉपिक है वो है बच्चों लॉगरिथम्स. मैं आपको लॉगरिथम सिखाना चाहूंगा, तो आज से अपन नई चीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम्स. लॉग लेना, क्या चीज होती है, कहां से आया, क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें आज से अपन इसमें सीखेंगे. तो देखो भाई, आप तो नया टॉपिक, नई हेडिंग डाली है आप लोग, और उसका नाम है लॉगरिथम्स. लॉगरिथम्स, अब देखो भाई लॉगरिथम क्या चीज है. ठीक है, तो लॉगरिथम से पहले अपने को एक चीज और समझना है, और उस चीज का नाम है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए नंबर. इस चीज को अपने को समझना है. कैसे है ये चीज, ये समझिए क्या है. जैसे भाई आपका 25 है, 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो, है ना, बिल्कुल लिख सकते हो आप. 36 है, इसको आप 6 की पावर 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 9 है, उसको आप 3 की पावर 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो. 81 है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 81 को आप क्या लिख सकते हो, 81 को आप क्या लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर लिख सकते हो. ठीक है भाई, 27 है, उसको आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो. आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सही बात है, लिखते हैं को तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इस सबसे अपने को क्या समझने को आ रहा है, तो इसको आप लोग समझो भाई. ये आपके इस साइड में कोई भी नंबर n है, और उस नंबर n को आपने a की पावर b की फॉर्म में लिखा है. जैसे नंबर 25 था, उसको आपने 5 की पावर 2 लिखा, तो 5 का a हो गया, b के वैल्यू यहां पर 2 हो गया. तो ये जो a है, उस a को बोला जाता है मैथमेटिक्स में बेस. क्या बोला जाता है, बेस. और जो b है, इस b के तीन नाम है भाई, इसको आप इसकी पावर भी बोल सकते हो, इसको आप इसका एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, और आप इसको a का इंडेक्स भी बोल सकते हो. आप समझ गए कि नहीं समझ गए. तो जो n बराबर a की पावर b है, कोई भी नंबर n, n मतलब यहां पर कोई नंबर है, उसको यदि आपने a की पावर b की फॉर्म में लिखा है, उसको उस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं.
समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको बोले कि 25 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, आप बोलोगे 5 की पावर 2, 81 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 9 की पावर 2, और 27 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 3 की पावर 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को अब आप वर्ड्स में लिख लीजिए। कैसे लिखोगे? तो इसको आप कुछ ऐसे लिख लीजिए कि n इज इक्वल टू a की पावर b इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ n। इसको n का क्या बोलूंगा मैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलूंगा। अब देखो भाई, अब बेसिक फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम क्या है अपने अलजेब्रा की? तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिटर्न एज a की पावर b। ये फंडामेंटल थ्योरम है भाई, बड़े ध्यान से सुनो ना, इसमें एक एक शब्द बड़े काम का है। क्या है वो? कि हर पॉजिटिव रियल नंबर है, हर पॉजिटिव रियल नंबर, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिटर्न एज a की पावर b। यानी आपका यदि n आपका जीरो से बड़ा है तो आप n को a की पावर b की फॉर्म में लिख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ऐसा हमेशा पॉसिबल है, ऐसा लिख पाना हमेशा पॉसिबल है। कार्लोस, हाँ भाई कार्लोस कैसे हो? ठीक है। अब यदि ऐसी बात है तो इस बात से अपने को क्या मिला, अपन यहां से क्या देखने को मिल रहा है, तो वो आप देखते जाओ भाई, है ना। तो थ्योरम ने क्या बोला कि इफ n इज ग्रेटर देन जीरो देन n कैन बी रिटन एज a की पावर b। अब देखो, आपके पास कोई भी नंबर n है, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर n है, उसको आपको a की पावर b की फॉर्म में लिखना है। अब देखो आप, है ना, यहां पे a और b का क्या वैल्यू ले सकते हो? जैसे a की पावर b है, जैसे आपने लिया a का वैल्यू जीरो, यदि मान लो मैंने a का वैल्यू जीरो लेके चलता तो क्या होता? तो अब a को तो मैंने फिक्स कर लिया, तो ये मेरा नंबर बन गया जीरो की पावर b। अब मैंने b का वैल्यू रखा वन, तो ये कितना बन गया? जीरो की पावर वन, जो आ गया जीरो, आगे ना, तो वो आ गया मेरा n बराबर जीरो। जैसे मैंने रखा b की पावर टू, तो जीरो की पावर टू आ गया जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो। मैंने रखा b का वैल्यू माइनस वन, तो ये आ गया जीरो की पावर माइनस वन, यानी वन अपॉन जीरो। और वन अपॉन जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, वो परिभाषित नहीं है। b की पावर जीरो लिखा तो ये आ गया जीरो की पावर जीरो, और वो भी क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो समझ रहे हो आप इस बात को यहां से? अब एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने a का वैल्यू जीरो लिया, जैसे था ना भाई n बराबर a की पावर b है, तो अब अगली बात यही आएगी कि भाई a और b के ऊपर क्या आप कंडीशन लगाओगे? तो n के ऊपर तो कंडीशन थ्योरम ने लगा दी, और वो भी क्यों लगाई वो भी आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद में। n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो भाई, n बराबर a की पावर b की फॉर्म में लिख पा रहे हो, जिसमें आपने रखा a का वैल्यू जीरो, तो आपको समझ में आ गया कि यदि आपने a का वैल्यू जीरो लिया है, यानी आपने जो बेस है, a क्या है यहां पर? अपना बेस है। बेस का वैल्यू जीरो लेने पर बहुत सारे ऐसे नंबर बन जाएंगे जो अनडिफाइंड होंगे। तो मुझे तो हमेशा के लिए कोई भी भाई डेफिनेशन में देता हूं तो वो तो हमेशा वैलिड होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं a का वैल्यू जीरो नहीं ले सकता, a का वैल्यू जीरो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि a का वैल्यू जीरो लेने पर यदि तुम n बराबर जीरो की पावर b करते हो और यदि तुम b को चेंज करते हो तो दिक्कतें आपके सामने हैं। समझ गए आप इस बात को? ठीक है। अब आपने लिखा जैसे n बराबर a की पावर b है, आपने a का वैल्यू लिया वन, तो यानी n बराबर क्या हो गया? वन की पावर b। अब जैसे आपने b का वैल्यू रखा जीरो, तो n बराबर कितना आ गया? वन की पावर जीरो, जो कि होता है वन।
ओके, फिर लिया बी बराबर वन, एन बराबर क्या हो गया वन की पावर वन, जो कि वन होता है। बी बराबर लिया आपने टू, तो एन बराबर वन की पावर टू, आ गया कितना आपका वन। बी बराबर लिया आपने माइनस का टू, तो एन बराबर कितना आ गया वन की पावर माइनस टू, यानी वन अपॉन वन स्क्वायर, वो कितना आ गया वन। यार ये क्या बात हो गई यहां पर आपके, ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई। यहां तो ये सिचुएशन हो गई कि आप बी का कोई सा भी वैल्यू ले लो, एन बराबर वन की पावर बी यदि है, आप बी का कोई सा भी वैल्यू ले लो, एन का वैल्यू तो हमेशा क्या आ गया वन आ गया। तो इसका मतलब तो यार ऐसा हो गया ना कि यदि आपने ए का वैल्यू वन लिया है तो एन आप हर एन थोड़ी ले सकते हो, उसमें फिर आप चाहे बी चाहे कोई सा भी लिखो आपको हमेशा एन बराबर वन ही मिलना है। तो हर एन के लिए तो ये वाली बात भी वैलिड नहीं रही, इसका मतलब मैं ए का वैल्यू वन भी नहीं ले सकता। आपको समझ में आ गई बात, ए का वैल्यू वन क्यों नहीं ले पाया हूं, क्योंकि ए का वैल्यू वन लेने पर एन आपको हमेशा वन ही मिल रहा है, तो हर पॉजिटिव नंबर के लिए ऐसी बात थोड़ी ना हो पा रही है। अरे हाँ के ना, और ए का वैल्यू जीरो ले रहा था तब तो बहुत सारी चीजें अनडिफाइंड हो रही थी, तो इसका मतलब मैं ए को जीरो भी नहीं ले सकता, ए को मैं वन भी नहीं ले सकता। ओके आगे बढ़ते हैं भाई, जीरो और वन तो अपन नहीं ले पाए, आगे देखो आगे क्या हो सकता है। अब आप ए को कोई नेगेटिव नंबर लेके देखो, देखें ए का वैल्यू आपने लिया माइनस का टू, तो एन बराबर क्या बन गया माइनस टू की पावर बी। फिर आपने रखा बी बराबर वन, तो एन बराबर कितना आ गया भाई, वो आ गया माइनस टू की पावर वन, जो कि होता है माइनस टू। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। बी का वैल्यू रखा आपने टू, तो एन बराबर कितना आ गया माइनस टू की पावर टू, और माइनस टू की पावर टू तो फोर होता है, कोई संकट नहीं। बी का वैल्यू रखा जीरो, तो एन बराबर कितना आ गया माइनस टू की पावर जीरो, और ये कितना आ गया भाई, ये वैल्यू वन आ गई, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड है ना। बी की वैल्यू आपने ली मान लो माइनस टू, तो एन बराबर कितना आ गया माइनस टू की पावर माइनस टू, तो ये आ गया वन अपॉन माइनस टू की पावर टू, यानी आ गया वन अपॉन फोर, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, फिर तो आप ए का कोई नेगेटिव नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलूंगा रुको, आप लो बी का वैल्यू वन बाई टू, बी का वैल्यू वन बाई टू लेते क्या हो जाएगा, एन बराबर माइनस टू की पावर वन बाई टू, यानी ये कितना हो गया रूट के अंदर माइनस टू, और ये कैसा नंबर होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ये रियल नंबर नहीं होता है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आना। इसका मतलब मैं ए का कोई नेगेटिव वैल्यू भी नहीं ले सकता, क्योंकि यदि मैंने ए का कोई नेगेटिव वैल्यू ले लिया, यदि मैंने ए का कोई नेगेटिव वैल्यू ले लिया और उसको मैंने रेज टू द पावर बी लिख दिया, और फिर यदि मैंने बी को वेरी कराया, तो यहां दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं, लेकिन यहां दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ऐसे केस में थ्योरम क्या कहती है कि हर पॉजिटिव नंबर एन को आप ऐसे लिख पा रहे हो, नहीं भाई पॉजिटिव तो यहां तो ठीक है, यहां तो वाली बात ठीक है, यहां तो खैर नंबर भी नेगेटिव आ गया, तो थ्योरम तो आपकी यहां पे भी वॉयलेट हो रही है, थ्योरम का वायलेशन तो यहां पे भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने चला चलो रियल नंबर तो आ रहा है, लेकिन यहां आते आते तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि यदि आपने नेगेटिव टू द पावर वन बाई टू कर दिया या वन बाई फोर कर दिया, उसका आपने इवन रूट ले लिया, तो आपको इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा, तो इसका मतलब आप ए का कोई नेगेटिव वैल्यू भी नहीं ले सकते। तो बात आती है कि सर क्या मैं ए का पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूं, तो आप ए का वैल्यू टू लेके देखो, देखें तो आपका आ जाएगा एन बराबर टू की पावर बी। अब आप बी का वैल्यू रखो जीरो, तो एन बराबर क्या आ जाएगा टू की पावर जीरो, जो होता है वन। बी बराबर रखो वन बाई टू, तो एन बराबर कितना आ जाएगा टू की पावर वन बाई टू, जो कि कितना होता है रूट टू, ये भी ठीक है। बी बराबर आप रख लो माइनस का वन बाई टू, एन बराबर कितना आएगा टू की पावर माइनस वन बाई टू, वो आ जाएगा मेरा वन अपॉन रूट टू, ये भी सही है। आप यहां पर बी का कोई सा भी वैल्यू रख लो, ये नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, कभी भी कोई आलतू फालतू नंबर यहां से जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब ए का वैल्यू पॉजिटिव लेना ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझ रहे हो क्या सारे लोग, एवरीबडी सब कोई समझ रहा है इस बात को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ आप मुझे, यहां तक तो
यहां अपने देखो एक चीज समझ में आ गई, क्या चीज समझ में आ गई कि यदि आपने n बराबर a की पावर b लिखा है तो आपका a क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू 1 के बराबर हो गया तो होते कॉन्स्टेंट नंबर बन जाएगा। अब आप देखो a पॉजिटिव है और a 1 के बराबर नहीं है, तो आप b का कोई सा भी वैल्यू रखो, जैसे a पॉजिटिव है, जैसे आपने रखा n बराबर 3 की पावर b, अब आप यहां पर b का कोई सा भी वैल्यू ले लो, b का वैल्यू 0 लिया तो 3 की पावर 0 बन जाएगा, b का वैल्यू -1/2 लिया तो यह आ जाएगा 3 की पावर -1/2 यानी 1/√3, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर। आप b का कोई सा भी नंबर ले लो, क्या 3 की पावर b कभी नेगेटिव हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब n हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और b क्या हो सकता है, b का वैल्यू चाहे जो मर्जी ले लो, b का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है n बराबर a की पावर b, जहां पर a पॉजिटिव हो, a 1 के बराबर ना हो, n जहां पर कोई पॉजिटिव नंबर हो, b जहां पर कोई भी रियल नंबर हो, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ a नंबर n ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव नंबर n है वो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। सोनू कोठुरी पॉजिटिव, हाय, क्या पॉजिटिव भाई, मैं सब आपका सवाल नहीं समझा, व्हाट इज योर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्लियरली लिखो उसको। ओके तो ये आपका किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। ओके तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था मैं लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, आप तो यहां पर एक्सपोनेंशियल की बातें कर रहे हो। तो देखो भाई ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, वो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही आई है, तो वही चीज आपको यहां पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब एक्सपोनेंट के लॉ आप लोग सारे पढ़ चुके हो छोटी क्लासेज में, कैसे भाई, जैसे a b की पावर n है तो उसको आप लिख सकते हो a की पावर n इंटू b की पावर n, ऐसा लिखा जा सकता है। a अपॉन b की पावर n है उसको आप लिख सकते हो a की पावर n अपॉन b की पावर n, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है a की पावर 1/n है, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, तो लिखा था a लिखो और यहां पर n लगाओ, यानी कि जैसे a का पावर 1/2 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a यहां 2 लिखो, a की पावर 1/8 है उसको लिख सकते हो आप रूट a लिखो और यहां पर आप 8 लिख लो, है ना। ये सारी की सारी चीजें आप लोग शायद मेरे हिसाब से पढ़ चुके हो, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके सामने यहां लिखा हुआ है a की पावर n और a की पावर m, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m प्लस n, है ना। ये छोटे छोटे जो भी आपने एक्सपोनेंट के जो लॉज है वो आपने आठवीं नवीं क्लास में छोटी क्लासेज में आपने पढ़ रखा होगा। एक्सीलेंट पॉजिटिव y, तो बेटा आपको पॉजिटिव समझ में आ गया होगा ना कि कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। यदि आपने a के ऊपर ये कंडीशन इंपोज कर दी ना, फिर आप b का जो मर्जी वैल्यू ले लो, n हमेशा पॉजिटिव रहेगा, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, यही चीज है। तो अभी यदि आपने लॉग पढ़ रखा है ना, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है ना, वो आपको यहां से समझ में आएगा यदि आप अच्छे से समझोगे तो। तो देखो भाई आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट चल रहा था ना, तब एक दिक्कत उन लोगों को सामने आई, कि क्या दिक्कत आई कि यार तुमने ये थ्योरम तो दे दी कि भाई कोई पॉजिटिव नंबर है उसको आप a की पावर b की फॉर्म में लिख सकते हो। थ्योरम क्या दे दी कि यदि आपका n पॉजिटिव है ना, तो आप n को भाई a की पावर b की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां a पॉजिटिव होना चाहिए और जहां a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, b यहां पर कोई भी रियल नंबर हो जाना चाहिए। ये थ्योरम तो अपनी बन गई। ये तो हमने अभी तक जो 15 मिनट में जो डिस्कशन किया था वो इसी बात पर किया था कि ये कहां से आया है,
एक एक चीज हमने आपको डिटेल में बताई है। दूसरी चीज है समझो, मेरी मर्जी हो गई, जैसे पॉजिटिव नंबर लिया 25, मैं बोलूंगा मैं तो इसको 5 की पावर के रूप में लिखूंगा, तो यहां तो चलो आसान है, आप बोलोगे भाई ठीक है इसको 5 की पावर 2 की फॉर्म में लिख ले, लिख दिया मैं खुश हो गया। एक आदमी आया कि भाई जो 25 है ना, मैं तो उसको ना 7 की पावर की फॉर्म में लिखूंगा, मेरी तो ये मर्जी है। तो थ्योरम तो ये कहती है कि आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो 7 की पावर क्लाउड। अब ये क्लाउड क्या है, इस क्लाउड की वैल्यू क्या है? देखो भाई नंबर का पता करना 25 बहुत आसान है कि मुझे लिखना है, बेस को चूज करना मेरी मर्जी है। बस बेस को चूज करते टाइम मुझे इन दो ही बातों का ध्यान रखना, वो पॉजिटिव होना चाहिए वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है चूज कर लिया 7। अब कौन बताएगा मुझे कि मैं 25 को 7 की किस पावर के फॉर्म में लिख पा रहा हूं? क्वेश्चन पैदा होता है ना, जैसे नंबर है आपके सामने, नंबर है आपके सामने मान लो 18, मुझे इसको 37 की पावर के फॉर्म में लिखना है, तो ये 18 को चूज करना है जी, 37 को चूज करना है जी। लेकिन ये क्लाउड की वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा टेढ़ा काम है यार, थ्योरम देने वाले तो देखे चल बसे। अब यदि ऐसा लिख पा रहा है तो कोई मुझे क्लाउड की वैल्यू बताए कि 18 को मैं 37 की किस पावर के फॉर्म में लिखूं? यदि सिंपल परफेक्ट स्क्वायर होता या परफेक्ट क्यूब होता तब तो मैं बता देता, लेकिन अब मैं हर सवाल का जवाब ऐसे थोड़ी दे सकता हूं। आप में से कोई दे सकता हो क्या? सर यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल, ओके ठीक है, थैंक यू भाई। आप देखते रहो, आपको यहां से कई मजेदार चीजें समझ में आएगी, है ना। और ये वो बातें हैं बच्चों जो आपके किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई है। आप आईआईटी जेई का कोई सा भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देख लीजिए, आपको इन बेसिक बातों के बारे में बताया ही नहीं गया है। इसमें जो बहुत सारी बेसिक बातें वो है जो आपको आईआईटी में जाने के बाद पता चलती है कि अरे यार ये ऐसे था क्या, मैं तो इसको रट के आ रहा हूं, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जो फंडामेंटली अपन यहां पर उनको मिस कर डालते हैं, उनको आप समझने का प्रयास करो। तो अब बात आ गई क्लाउड को लेकर, अब इस क्लाउड को कैलकुलेट कैसे करें? तो इस क्लाउड को कैलकुलेट करने के लिए अब देखो, जैसे है 18 को मुझे लिखना है 37 की पावर क्लाउड। अब इस क्लाउड को कैलकुलेट करना है तो ये 18 का कौन सा फॉर्म है? ये 18 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अरे है कि नहीं है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा ना, मुझे 18 को 37 के पावर के फॉर्म में लिखना है, मैं क्या पावर लगाऊं? नियम देने वाले दे दिए लेकिन अब मैं उसको काम में नहीं ले पा रहा हूं, मेरे सामने दिक्कत आ गई। तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए आपकी जिंदगी में एक नई चीज आई और उस नई चीज का नाम था लॉगरिथम्स। उस चीज का क्या नाम था? लॉगरिथम्स था। तो लॉगरिथम का ओरिजिन कहां से हुआ? आपको सबको यह बात समझ में आ गई क्या कि लॉगरिथम कहां से पैदा हो रहा है? लॉगरिथम का हुआ है वो इस समस्या के समाधान के लिए इसका जन्म हुआ था। और इसका समाधान कैसे ढूंढा गया वो देखो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो आप, तो n इज इक्वल्स टू a की पावर b, जहां पर मैं बार बार लिखूंगा n पॉजिटिव, a पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 1, b बिलोंग्स टू r। अब ये जो है ये एक नंबर की क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही ऐसे लिखा जाता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके सामने n, जैसे मैंने अभी प्रॉब्लम बताया था कि मुझे 25 को 37 की पावर के फॉर्म में लिखना है। प्रॉब्लम n नहीं है, प्रॉब्लम a भी नहीं है, प्रॉब्लम है इस b को फाइंड आउट करना, पावर क्या लगाऊं कि मुझे वो नंबर मिल जाए। तो इसी को ऐसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है बच्चों log n टू द बेस a बराबर b। आपको क्या निकालना था? आपको b निकालना था। तो log क्या बोलता है कि भाई जो ये b की वैल्यू है ना, ये b की वैल्यू होगी log n टू द बेस a। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब बड़े ध्यान से सुनना भाई, आपके सामने लिखा हुआ है log p टू द बेस q और इसकी वैल्यू मान लो आपकी है k। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं इस p को q की पावर k की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है, ये वही लिखा हुआ है जो ये लिखा हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये जो रिप्रेजेंटेशन है
वो है बच्चों आपका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, और इंफॉर्मेशन दोनों की बिल्कुल सेम है। जो आपकी इंफॉर्मेशन p इज इक्वल टू q की पावर p है को लिखा गया है log p टू द बेस q इक्वल टू k। समझ में आ गई भाई आपको ये बातें? सर वीडियो बफरिंग, हेलो बच्चों, हेलो 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 बच्चों, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था बीच में, इसकी वजह से आपका वीडियो शायद बफरिंग में चला गया था, स्ट्रीमिंग सही से हो नहीं पाई, थोड़ा इंटरनेट का इशू आ सकता है बीच में, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम लोग इसी डिस्कशन को आगे करेंगे। सर फिर से बोलिए बफरिंग हो रहा है। ठीक है बेटा, मैं सारा का सारा दोबारा, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है ना, ये मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ये जो भी आपको फिलहाल बोर्ड दिख रहा है वो मैं पूरा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां इशू हो गया है बफरिंग की वजह से, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो लेट्स रीस्टार्ट दिस थिंग। देखो भाई हमने क्या पढ़ लिया है, हमने ये देखा, क्या देखा, तो हमने ये देखा, हमने देखा कि n इज इक्वल टू a की पावर b, जिसमें n कोई पॉजिटिव नंबर हो, एक पॉजिटिव होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, बी कोई भी रियल वन होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर का आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। मेरे सामने यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो, मुझे 25 को 37 की पावर क्लाउड लिखना है। प्रॉब्लम 25 नहीं है, लिखना बहुत आसान है, प्रॉब्लम 37 नहीं है, वो मैं चूज कर सकता हूं। जैसे 1.7 है उसको मुझे 0.8 की पावर के फॉर्म में लिखना है, तो प्रॉब्लम 1.7 नहीं है, प्रॉब्लम 0.8 नहीं है, प्रॉब्लम क्लाउड है। तो प्रॉब्लम क्या है यहां पर, प्रॉब्लम है टू फाइंड बी, बी का मतलब क्या है, उसका एक्सपोनेंट फाइंड करना, उसकी पावर को फाइंड करना या उसके इंडेक्स को फाइंड करना, ये प्रॉब्लम है फिलहाल मेरे सामने। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही क्या हो गया,